अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूँ नूरुल आरफीन सिद्दीकी और आप देख रहे हैं प्रोग्राम आवाज़। पुलिस का महकमा गालिबन वो वाहिद महकमा है जिससे कराची में, पाकिस्तान में, इस मुल्क में लोगों को बड़ी शिकायत हैं। इससे आवाम को तवक्कात जो है वो तो सब जानते हैं, लेकिन इस महकमे में और इस महकमे से वाबस्ता लोगों के मसाइल क्या हैं, इसका अता करती है हमारे आज के एपिसोड। तो आइए अपने आज के प्रोग्राम का आगाज़ करते हैं। सर ये बताइए, महकमा पुलिस से आवाम को हज़ारों लाखों शिकायत हैं, पुलिस वालों को पब्लिक से क्या शिकायत है? सर बात यह है कि इसके अंदर पब्लिक से हमें शिकायत तो बहुत सारी हैं, लेकिन उसके जो मेजर शिकायत है पब्लिक के अंदर अवेयरनेस नहीं है। अवेयरनेस से मुराद कि अगर हम उनको रोकने की कोशिश करते हैं तो ये रुकते नहीं है लोग, ठीक है ना। और अगर ज़बरदस्ती रोकने की कोशिश करते तो गालम गुलिश पे उतर आते हैं, इवन यहाँ तक कि वो मतलब हमारे यूनिफॉर्म पर भी हाथ उड़ाने की कोशिश करते हैं वो लोग, ठीक है ना। तो हम समझाने की कोशिश करते हैं, अच्छा हमारे अफसराने बाले की तरफ से ऑर्डर ये बिल्कुल कूल माइंडेड होके अपनी ड्यूटी करें हम, तो हम कोशिश करते हैं कूल माइंडेड, क्योंकि अगर हम उनके साथ सारा दिन लड़ते रहेंगे तो हम लोग को भी घर जाना होता है, घर में हमारे भी बच्चे हमारे इंतजार कर रहे होते हैं। तो इस वजह से हम लोग को थोड़ा सा अपने अंदर डिसिप्लिन करके, डिसिप्लिन ला के थोड़ा सा हमें फिर ये ड्यूटी करनी पड़ती है। 8 घंटे की इस ड्यूटी में कि जहाँ सर जो है वो आपका पिसके वो पपीते की तरह से हो जाता होगा यकीनन, कितने साल की एक तो सर्विस हो चुकी है और 8 घंटे की ये सर्विस कर लेने के बाद आपका दिमाग कोई और काम करने के काबिल रहता है? सर बिल्कुल आपने बजा फरमाया। आप यकीन करें कि जब मैं यहाँ से घर जाता हूँ ड्यूटी करने के बाद, मेरा एक गिलास पानी पीने का भी दिल नहीं चाहता कि मैं सबसे पहले तो जाके मैं खाना खाने के बाद मैं एक टैबलेट लेता हूँ मैं, इसके बाद फिर जाके जना मैं दूसरा काम शुरू करता हूँ मैं। कितने साल की सर्विस है आप? सर मेरी सर्विस हो गई तकरीबन माशाल्लाह 25 साल सर्विस हो गई। और 25 साल में कितनी खा ली आपने? सर अब इसका अंदाजा नहीं है, मैं आधी फैक्ट्री तो खा चुका हूँ मैं। अच्छा ये बताएं कि आपके सर दर्द का इलाज तो की गोली से हो गया, लेकिन आवाम के जो मसाइल हैं जिनकी जिम्मेदारी ज़्यादातर आवाम की खुद अपनी खुद सरी की वजह से होती है, एक पुलिस वाला हज़ारों मोटरसाइकिल वालों को या गाड़ी वालों को नहीं रोक सकता, आवाम की इस गफलत पर क्या कहेंगे? सर मैं यही मतलब यही इनको सजेशन दूंगा कि भाई हम यहाँ पे आप ही लोगों के लिए खड़े हुए हैं, यहाँ पे हम आप लोगों की खिदमत के लिए खड़े हुए हैं, आप ही की टैक्सों से हम सैलरीज लेते हैं यहाँ पे, तो ये कि अगर आप थोड़ा सा हमारा थोड़ा सा कहना मान लेंगे तो इंशाल्लाह ताला ट्रैफिक प्रॉब्लम भी नहीं होगी और आप लोग भी अपने घर से साथ खरीद के घर पहुँच जाएंगे अपने इंशाल्लाह ताला। अच्छा अभी उर्दू साइंस कॉलेज के ऊपर एक हादसा हुआ जिसमें कुछ तालिबात की शहादत हुई है, DIG ट्रैफिक ने इस हादसे की जिम्मेदारी कबूल की है, ये मुझे बताइए ट्रैफिक के जिम्मेदारों ने अखलाकी तौर पर अपनी जिम्मेदारी कबूल की, लेकिन आवाम की, उस बस ड्राइवर की, ये बस माफिया की या ट्रांसपोर्ट बरादरी की, इनकी भी कोई जिम्मेदारी है? वो बेचारी जो बच्ची अपनी जान से गई वो तो गई, मगर उस ड्राइवर की या उसकी एसोसिएशन की भी तो कोई जिम्मेदारी है कि ड्राइवर्स को रजिस्टर्ड किया जाए, उनका कोई बाकायदा आता पता हो, कोई पता ठिकाना हो कि अगर किसी ड्राइवर से कोई इस तरह की हरकत हुई है तो उसको ट्रेस किया जा सका है, ये इस तरफ क्यों नहीं सोचते हम लोग? ये तो सर हाई सीट्स का काम है, हाई लेवल के लोगों का सोचने का काम है। मैं तो यहाँ पे सारा दिन ट्रैफिक कंट्रोल करता हूँ, चुपके घर चले जाता हूँ। ये बहरहाल ये है कि उनके खिलाफ भी कुछ ना कुछ कार्रवाई होनी चाहिए। और दूसरी बात देखिए, आपको पता है कि आजकल कराची का जगह जगह की सड़कें टूटी हुई हैं आजकल, तो इस वजह से ट्रैफिक प्रॉब्लम और ट्रैफिक हादसा ज़्यादा हो रहा है इसकी वजह से। सर्विस कितनी बची है? सर तकरीबन बची नहीं है, बस एंड चल रहा है सर बस। अच्छा इस एंड पे अपना मुस्तकबिल, अपने बच्चों का, अपनी फैमिली का फ्यूचर क्या देखते हैं आप? सर मैं तो यही देखता हूँ कि अल्लाह करे उनका अच्छा ही, मतलब दुआ ही कर सकता हूँ मैं तो अपने बच्चों के लिए कि अल्लाह उनका मुस्तकबिल अच्छा करे। बहरहाल ये है कि हम कोशिश करते हैं कि बच्चों को तालीम दें, बच्चे तालीम हासिल कर रहे हैं, जो भी हमारी मखसूस सैलरी है उसके अंदर से हम अपने बच्चों को तालीम दिलवा रहे हैं बच्चों को, ताकि वो मतलब एक अच्छा शहरी बन सके वो। सर ये मुझे बताइए, पुलिस वालों का रोना आज हम रो रहे हैं, ये बताइए आपके पास चंद आंसू हैं, और अगर हैं तो ये आंसू बहा क्यों रहे हैं, मसला क्या है? मसला ये है कि रोड पे अगर कोई खड्डा हो तो वो हमने ट्रैफिक पुलिस ने भरवाना है, कोई पथारा लगा हुआ है तो वो हमने हटवाना है, ग्रीन बेल्ट टूटा हुआ है तो वो हमने बनवाना है, सारे मसले हमारे सर पे थोप दिए गए हैं कि भाई आप जो कुछ भी है बोला वो आपने करना है। तो आपकी गर्दन पतली है क्या? सर इंशाल्लाह कोशिश कर रहे हैं हम गर्दन मोटी करने की। बिल्कुल गर्दन मोटी करने की कोशिश। अच्छा लेकिन एक बात मुझे बताइए ना, एक साथ बहुत सारे लोग ट्रैफिक के रास्ते पे हों, रोड पर हों, और उन्होंने तहिया किया और ठान रखी हो कि उन्होंने पुलिस वाले की नहीं सुननी, पुलिस वाला अकेला क्या कर लेगा? सर कुछ भी नहीं करेगा, हम अपने तौर पर कोशिश करते हैं कि जिसको बेहतर किया जा सके, हम अपना हिस्सा इतना ही है, हम डाल रहे हैं अपना हिस्सा कि भाई हम अब बेहतर से बेहतर करने की कोशिश करें। लेकिन ये ताली जो आप एक हाथ से बजा रहे हैं, सामने वाला तो कोऑपरेट ही नहीं कर रहा। सर कभी ना कभी तो करेगा तावन, उसको भी अपनी गलती का एहसास होगा, लेकिन उस वक्त तक तो आपकी रिटायरमेंट के दिन आ जाएंगे। कोई बात नहीं, हमारे आने वाले जो है वो उससे फायदा उठा लेंगे। ये मुझे बताइए कितना अर्सा हो गया ट्रैफिक पुलिस में? 30 साल। 30 साल
आपके एक साथी अभी मेरे मुझसे गुफ्तगू कर रहे थे, मुझे बता रहे थे कि रोज वो सरदर्द की एक गोली खाते हैं और 20 साल में उन्होंने काफी सारी गोलियां खा ली हैं। आपके साथ क्या मामला है सर? बिल्कुल, ये तो नौकरी है, मजबूरी है हमारी, हमारी जॉब है, ये हमने करनी है। सर में दर्द हो या कहीं पे भी दर्द हो, हमने तो करना है जॉब। इस 8 घंटे की नौकरी के बाद प्रैक्टिकली घर जाने के बाद किसी काबिल रहते हैं? बिल्कुल सर, घर जाके सो जाते हैं, सुबह उठते हैं फिर वापस आ जाते हैं। तो पर्सनल लाइफ क्या है आपकी? सर पर्सनल लाइफ कुछ भी नहीं है, सुबह मेरी ड्यूटी 7 बजे से रात को 11 बजे तक होती है, मैं सेक्शन अफसर हूँ, और उसके बाद में भी अगर किसी टाइम पर कोई आन कॉल रहते हैं, इमरजेंसी की सूरत में फौरी तौर पर वापस आना पड़ता है। इमरजेंसी की सूरत में आपको बुला लिया, कहीं और से सुबह से पुलिस वालों को बुला लिया, सब कुछ कर लिया, पब्लिक को अवेयरनेस कौन देगा? पब्लिक तो मानने के लिए राजी नहीं है। पब्लिक को अवेयरनेस देने के लिए मीडिया है ना, आप इलेक्ट्रॉनिक मीडिया पर चलाएं, इनको अवेयरनेस दें। हमारी कोशिश ये, हम तो रोजाना चलान करते हैं, इनको समझाते हैं, बताते हैं, वार्न भी करते हैं, लेकिन ये फिर वही के वही। अच्छा सर, ये मुझे बताइए, इतनी सारी परेशानियों में एक और इजाफा कि आपके सीने पे वो बुलेट प्रूफ जैकेट लाद दिए कि पहले अपनी जिंदगी को बचाओ, उसके बाद चालान करना, उसके बाद लोगों को संभालो, कैसा लगता है? सर बस ये जॉब का हिस्सा है, मुश्किलात, गर्मी सर्दी जिस तरह आती है इस तरीके से इसको हम सह रहे हैं। इंशाल्लाह कभी अच्छा वक्त आएगा, इस उम्मीद पर दुनिया कायम है। आपको लगता है कि कभी कराची में ट्रैफिक काबू हो सकेगा, कभी लोग आपकी सुनेंगे, कभी आप लोगों के गुड बुक्स में शामिल हो सकेंगे, और आपकी रिटायरमेंट से पहले पहले या आपकी रिटायरमेंट के बाद क्या है, तो आपके बच्चों का फ्यूचर क्या है? सर नफरी की शॉर्टेज है हमारे पास, नफरी अभी इन्होंने नई भर्ती की है, वो अभी अंडर ट्रेनिंग है, वो जैसी वो आएगी, कुछ नफरी की शॉर्टेज दूर होगी तो इंशाल्लाह मजीद बेहतरी आएगी। और वो जो नफरी आपके घर पे है आपके बच्चों की, वो आपके मुस्तकबिल कैसा देख रहे हैं उसका? मुस्तकबिल उनका बस अल्लाह मालिक है, वो कर रहे हैं, कोशिश कर रहे हैं, उन्हीं के लिए सब कुछ कर रहे हैं हम भी। कितने घंटे की ड्यूटी करते हो मेरे भाई? 8 घंटे की ड्यूटी हमारी। और इस 8 घंटे के बाद फिर मालिश कराते हुए घर जाते हो या डायरेक्ट घर चले जाते हो? मालिश थकावट तो बहुत होती है, सारा दिन खड़े होने का काम है, ट्रैफिक चलाने का काम है। खड़े होने का तो काम है ही है, लेकिन साथ में पब्लिक तुम्हें जो टेंशन देती है उसका क्या करते हो? पब्लिक जरा आगे गाड़ी खराब हो या कुछ भी हो जाए, पब्लिक गालियां ही देती है, कभी अच्छे अल्फाज में याद नहीं करती। पब्लिक ने यही कहा है कि भाई क्या हो गया, अब यहाँ तो सिग्नल तो है नहीं है, चारों तरफ से ट्रैफिक आ रहा है, लेकिन कम लोग हैं, 5% लोग ऐसे हैं कि जो हमें अप्रिशिएट करते हैं कि भाई आप अच्छा काम कर रहे हैं। अच्छा, अपनी गलती की वजह से अगर पब्लिक की ही कोई हादसा हो जाए, उसके बाद अगर जिम्मेदारी ट्रैफिक वालों पर डाली जाए, तो ये इंसाफ है? बिल्कुल नाइंसाफी है। आप 50% देख रहे हैं, लोगों के पास लाइसेंस नहीं है, विदाउट लाइसेंस चलाते हैं, अनाड़ी बंदे हैं, पता ही नहीं है, और एक छोटे बच्चे जो हैं माँ बाप बगैर उसके पूछे मोटरसाइकिल ले जाते हैं, उसकी वजह से काफ़ी हादसात पेश आते हैं, लेकिन कसूर किसका है? ट्रैफिक वाले का है कि भाई आगे एक्सीडेंट हो गया, आप क्या कर रहे हो, अब तक खुलवाने जाए, लेकिन वहाँ खड़े हो हम लोग कि गाड़ी साइड पर लगवा रहे हैं धक्का लगा के, ये नहीं कि हमारे साथ धक्का लगा के साइड पे कर दे, लेकिन दो बातें सुना के जा रहे हैं, अबे क्या कर रहा है, ऐसे आवाजें लगाते हुए। अच्छा, एक पुलिस वाला, और वो भी वो जिसके पास सिर्फ एक छोटी सी पिस्टल या कोई कलाशनकोव या कोई और वो मौजूद हो गन, हजारों आदमियों को कैसे काबू कर सकता है? ये तो सवाल ही नहीं पैदा होता जब तक लोग इज्तिमाही तौर पर ये फैसला न कर लें कि इसकी सुननी है, क्योंकि लोग तो घर से सोच करके निकलते हैं कि आज किसी की सुननी नहीं है। बिल्कुल, ये बात आपकी हकीकत है। वो फ्रस्ट्रेशन भी तुम लोगों के साथ आ जाती है? बिल्कुल आती है, बल्कि इंतहाई टेंशन में नौकरी करते हैं। कितने अरसे की नौकरी टेंशन में कर चुके हो और कितनी बाकी है? तकरीबन नौकरी तो मेरी 10 साल हो गई है, 15 साल बाकी है। 15 साल खुशी के हैं टेंशन के? नहीं, अल्लाह का शुक्र है कि सरकारी नौकरी है, इस पर बहुत खुशी है जितना बोला जाए। 15 साल खत्म हो गए, सपोज अगले हफ्ते 15 साल खत्म हो रहे हैं, तुम्हारा तुम्हारे बच्चों का मुस्तकबिल क्या है, क्या करोगे? क्या करना है बुढ़ापे में बच्चों का, पेंशन से ये पेंशन आती रहेगी या कोई सिक्योरिटी की नौकरी करेंगे या दूसरा करेंगे, बाकी क्या है, ऐसा फ्यूचर तो क्या। लेकिन ये तय है कि एक पुलिस वाले को जो अब्यूज़ किया जाता है वो सबका सब जस्ट नहीं है, पुलिस वालों के भी मसाइल हैं जिसकी तरफ लोगों को सोचना चाहिए। बिल्कुल सोचना चाहिए, हमारे साथ मिलकर काम करना चाहिए। सर ये मुझे बताइए, अवामुन्नास की आपसे जो शिकायत हैं वो उसकी तफसील में जाने की ज़रूरत नहीं, उस पर पूरी कई किताबें, नज़में, गज़लें कही जा सकती हैं, आपको अवाम से कोई शिकायत है? हाँ, हमारे को ये शिकायत है, जैसे कोई सिंगल रोकते हैं तो वो बाइक वाले तकरीबन वो आगे बढ़ते हैं, ज़ेबरा क्रॉसिंग के उनका ख्याल नहीं करते हैं, लेडीज़ हैं, बूढ़े हैं, वो ज़ेबरा क्रॉसिंग से जो रोड पार करते हैं उनको मुश्किल आता है, अगर ये हमारे से थोड़ा तावन करे, ज़ेबरा क्रॉसिंग से थोड़ा भी पीछे रोकें तो इंशाल्लाह ट्रैफिक जाम नहीं होगी। और बाइक वाले जो हैं अक्सर करके उनके कई वजह से ही एक्सीडेंट होता है, वो कहीं फुटपाथ आया तो वहाँ से चढ़ाते थे, वन में आया तो वहाँ से घुस जाते हैं, दो दो बंदे होते हैं, तीन तीन बंदे उल्टा सीधा आते हैं, उसी में ट्रैफिक का प्रॉब्लम होता है। बाहर मुल्कों में एक आ जाता है कि लोगों को जहनीत को नापना है तो उनके ट्रैफिक को देख लो, हमारे ट्रैफिक सिस्टम को अगर कोई नापे बाहर से आकर के तो क्या पाएगा, माँ सिवाय जहालत के, माँ सिवाय जहनी अफलास के, हम लोगों के पास क्या है?
हाँ ये है, आवाम को चाहिए जो खुद ही वो जो हमारे से तावन करें, ठीक है ना। अगर वो तावन करेंगे अपने कानून पे चलेंगे तो इंशाल्लाह नहीं हमारे को मुश्किल होगी, नहीं आवाम को होगी। अच्छा, आपके साथ एक इजाफी मुश्किल ये भी है कि आप पहले सिर्फ चालान काटने और ट्रैफिक काबू करने के चक्कर में रहते थे, अब आपको अपने सीने पे वो बुलेट प्रूफ जैकेट बांधने की भी फिक्र है कहीं कोई गोली ना मार दे, ये इजाफी टेंशन कैसा लग रहा है? हाँ ये है, तो मगर मौत जो है खुदा के हाथ में होता है, हम किसी के आगे नहीं झुकते, नहीं दहशत गर्दी से। हमारे को बाला अफसरान का यही कहना है, ट्रैफिक को रेगुलेट रखो, हम किसी मौत से किसी दहशत गर्दी से नहीं डरते हैं, जिंदगी मौत खुदा के हाथ में होती है, हम जान भी देंगे आवाम के लिए देंगे। अच्छा ये मुझे बताइए, आप कह रहे हैं कि ट्रैफिक के लिए कोई मसला पैदा नहीं होने देंगे, लेकिन अगर आवाम ने तहिया कर लिया हो, मोटरसाइकिल वाला गाड़ी वाले की जगह पे काबिज है, गाड़ी वाला ट्रक वाले की जगह पे खड़ा हुआ है, तो पैदल चलने वाला किधर जाएगा? जब आपने तो तहिया किया, आवाम खुद राजी नहीं है ट्रैफिक के मसले को हल करने में, तो आप क्या कर लेंगे? हाँ तो उनका भी फर्ज बनता है आवाम का हमारे से तावन करे, क्योंकि एक छोटे शहरी छोटे नाते पे उनका भी फर्ज बनता है हमारे से तावन करे, तो इंशाल्लाह ट्रैफिक सही चलेगी, एक्सीडेंट से बचा होगा उनका, ऐसा कोई मसला उनके लिए सामने नहीं आएगा। सर्विस के कितने साल बाकी बचे हैं आपके? सर माशाल्लाह अभी 25 में चल रहे हैं। आपकी सर्विस के खात्मे से पहले पहले कराची का ट्रैफिक, कराची के शहरी सुधर जाएंगे, या आपके माली वसाइल, आपके मामलात, आपकी मुश्किलात हल होने की कोई उम्मीद, कोई तवक्को रखें? हाँ इसी में ये है, एक दो रोड माशाल्लाह अभी हमारे बन रहे हैं, जैसे रोड कुछ मुश्किल हो रहे हैं, यूनिवर्सिटी रोड है, शाहरा फैसल है, और भी एक नाजमाबाद वाला रोड है, ये भी बन जाएगा, ट्रैफिक का फ्लो नॉर्मल हो जाएगा, और वो लाइटें वाइटें उसमें लकीरें लगाएंगे तो वो अपने अपने लाइन में चलेंगे, तो उसमें कोई एक्सीडेंट नहीं होगा और ट्रैफिक आसानी से चलती रहेगी। अकेले इस चौरंगी पे खड़े तुम ख्वार हो रहे हो, कोई तुम्हारी बात सुनने के लिए तैयार नहीं, तुम्हारा सबसे बड़ा मसला अगर पूछूं तो यहाँ धूल मट्टी धुआं है या लोगों की खुदसरी? भाई ये लोगों की खुदसरी है, और धुआं मट्टी सबसे ज्यादा है यहाँ पे, और हम अपनी जान की बाजी लगा के खड़े हो जाते हैं और हमारी कोई नहीं सुनता, हम एक एक बंदे को रोकते हैं लेकिन फिर भी कोई नहीं सुनता, लेकिन हम कोशिश करते हैं तो हम अच्छे तरीके के साथ सिग्नल चलाएं और सबको अच्छे तरीके के साथ घरों को लोगों को मुंतकिल करें घरों की तरफ। अच्छा ये मुझे बताओ, तुम तो सबका ख्याल रखते हो, कोई तुम्हारा ख्याल रखने के लिए राजी नहीं है, हजारों गाड़ियां हैं और तुम एक अकेले आदमी, तुम्हारे हाथ में कोई गन, कोई बंदूक, कोई तमंचा भी नहीं है कि लोग उससे डर जाएं, कैसे करते हो ये सारा काम? हम तो लोगों का ख्याल रखते हैं, काफी अच्छे इंसान भी है जो हम लोग का भी ख्याल रखते हैं, वो खुद भी खुद सिग्नल का एहतियात भी करते हैं, रुक जाते हैं और काफी ऐसे नहीं रुकते। चालान वगैरह का डर हो तो चलो लोग रुक भी जाते हैं, लेकिन तुम्हारे हाथ में कोई चालान बुक भी नहीं है, कैसे रोकते हो लोगों को? कोई रुकता है कोई नहीं रुकता भाई, और चालान भी करते हैं, काफी लोगों को बोलते हैं और रोकते भी हैं, बनवे से भी रोकते हैं, चालान भी करते हैं उन लोग का, लेकिन वो फिर भी नहीं मानते, बनवे से भी जाते हैं और वो अपनी मर्जी करते हैं। अच्छा अगर कोई पुलिस वाले की बात नहीं मान रहा और उसी चक्कर में उसका एक्सीडेंट हो गया तो गलती किसकी है? पुलिस वाले ने तो अपना काम किया था, ये गलती तो उसी आदमी की है ना जो अपनी जहालत के सबब किसी हादसे से दो चार हो गया। बिल्कुल वो तो गलती उसकी है, हम तो अपना पूरा वो उनके लिए करते हैं, तो उनका काम इन्हें रुकना चाहिए। ये मुझे बताओ कितने अरसे से पुलिस लाइन में हो? 6 साल सर्विस को हो गए। 6 साल सर्विस को हो गए, और क्या सोच करके यहाँ आए थे? भाई ये हम वो सोच रख के आए थे कि लोगों की खिदमत के लिए। भाई साहब ये बताइए कब से आप पुलिस लाइन में? मुझे तकरीबन 23 साल हो गए माशाल्लाह। 23 साल से सर्विस कर रहे हैं, और 23 साल में क्या कुछ भुगत चुके हैं? 23 साल में हम तो काफी परेशानियां भी हमने झेली हैं और मुश्किलात का सामना भी किया है। एक ऐसी जगह पे जहाँ हजारों गाड़ियों का फ्लो हो और कोई आदमी किसी की सुनने के लिए राजी ना हो, वहाँ एक अकेला पुलिस वाला करे भी तो क्या, बेबस हो जाता है बेचारा, क्या करे, बस वही है। अच्छा आपको ये जो इजाफी जिम्मेदारी दी गई है, ये कलाशनकोफ आपके ऊपर लाद दी गई है, तो आप ट्रैफिक कंट्रोल करेंगे या कलाशनकोफ चलाएंगे? बात ये कि ट्रैफिक रेगुलेट करते हैं हम, अपनी दिफा भी करते हैं, तो ये इस जब से आपने ये ला दी है उस वक्त से इसके इस्तेमाल का मौका तो खुदा ना खास्ता नहीं मिला। बार अभी तो अल्लाह ना करे अभी तो ऐसा मौका ना आए, लेकिन आएगा तो इंशाल्लाह ये कि अपनी हिफाजत खुद तैयारी के हम देखेंगे। दिन भर ये जो झिकझिक होती है 23 साल सुनते सुनते बोर नहीं हो गए? नौकरी हमारे बच्चों की रोजी, हम बोर क्यों होंगे? कितना अर्सा सर्विस में बाकी बचा? माशाल्लाह भी हमारा तो जब तक ये है कि उम्र है 60 साल तक तो करेंगे, बाकी अल्लाह मालिक है। मुस्तकबिल क्या है एक पुलिस वाले का, आपका, आपके बच्चों का, आपके घर का मुस्तकबिल क्या है इस सर्विस के बाद? ये तो अल्लाह ताला बेहतर जानता है, क्या करें, अच्छी एजुकेशन दे रहे हैं, तालीम दे रहे हैं, ये माशाल्लाह सही है कि हमारा जरिया रोजगार चल रहा है इसमें, बस सही। पेंशन ग्रेजुएटी के मामला वगैरह वो सब स्मूथ हो सकते हैं आपको लगता है? सरकार के मामला ऐसे हैं? बिल्कुल बिल्कुल होते हैं। अच्छा सर ये मुझे बताइए, पुलिस से लोगों को बड़ी शिकायत है, आप खुद एक पुलिस वाले हैं, आपको लोगों से क्या शिकायत है? मेरे को कोई किसी किस्म की शिकायत नहीं है, बस ये है कि हमारा काम है ट्रैफिक कंट्रोल करना, अच्छे बुरे लोग तो हर जगह होते हैं,
जैसे भी आर में हमने ड्यूटी करनी अच्छे तरीके से, ट्रैफिक को रवा दवा रखना। लेकिन आप ट्रैफिक को रवा दवा कैसे रखेंगे जबकि मोटरसाइकिल वाला गाड़ी वाले की जगह पे काबिज है, वो आपकी सुनना ही नहीं चाहता? नहीं, कुछ इक्का दुक्का होते हैं, सब एक जैसे नहीं है, पांच उंगलियां बराबर नहीं है, अच्छे लोग भी है जो जिसकी वजह से यह निजाम चल रहा है, वरना तो रोज ये ट्रैफिक जाम होता रहे पूरे शहर। अच्छा, ये लॉजिकली पॉसिबल है कि एक अकेला पुलिस वाला और सैकड़ों लोगों को कंट्रोल करे, ये मुमकिन है दुनिया में किसी भी जगह? ट्रैफिक वैसे दिन ब दिन गाड़ियों रजिस्ट्रेशन नई गाड़ियों की होती आ रही है और ट्रैफिक की नफरी हमारे पास कम है, जिसकी वजह से थोड़ा प्रॉब्लम है। वैसे इंशाल्लाह अगर नफरी हो जाएगी ज़्यादा तो बेहतरी होगी। नफरी बढ़ेगी तो जाहिर है आपके काम में आसानी होगी, लेकिन साथ साथ शहर का जो इंफ्रास्ट्रक्चर है जो इस वक्त टूट फूट का शिकार है उसकी वजह से भी बड़े मसाइल पैदा हो रहे हैं, वो अगर बेहतर हो जाएगा तो आपका काम और आसान नहीं हो जाएगा? बिल्कुल ही बेहतरी आएगी। अच्छा, ये मुझे बताइए, इसके साथ साथ आपको शहर में इस डिपार्टमेंट में नौकरी करते हुए पुलिस डिपार्टमेंट में कितना अर्सा हुआ? मेरे को 15 साल हो गए जी। 15 साल और 8 घंटे की ड्यूटी? 8 घंटे नौकरी है। दिमाग की हालत क्या है, बेहतर है? अल्लाह का शुक्र है जी, बेहतर। इस ट्रैफिक में, इस धूल धक्के में कि जहां आदमी आदमी को कोस रहा है, सुनने के लिए तैयार नहीं है, आप बेहतर कैसे हैं? अल्लाह का शुक्र है जी, बेहतर है। नॉर्मल लाइफ चला लेते हैं आराम से यहां से घर जाने के बाद? बिल्कुल जी, अल्लाह का शुक्र है। ये वाहिद इंटरव्यू इस प्रोग्राम का कि जिसमें वाहिद पुलिस वाला है जिसका दिल दिमाग बिल्कुल काबू में, बाकी सब लोग ये कह रहे हैं कि हम घर जा करके, कोई कहता है मालिश कराते हैं, कोई कहता है हम दवा खाते हैं। आप क्या मतलब किसी बुजुर्ग के पीर मुरीद वगैरह हैं, क्या आपकी बेहतरी की वजूहत क्या है? अल्लाह का शुक्र है कि टेंशन लेकर नौकरी नहीं करते, इजी फील होकर नौकरी करते हैं और ट्रैफिक को रवा दवा रखने की कोशिश करते हैं बेहतर से बेहतर तरीके से। साथ साथ ये इजाफी जो बोझ अपने ऊपर लादे हुए हैं आप, ये इस बोझ के बारे में क्या कहेंगे कि ट्रैफिक कंट्रोल करें या अपनी जिंदगी बचाएं? ये हमारी सेफ्टी के लिए है, इसको तो पहनना लाजमी है, ये हमारी सेफ्टी के लिए अफसरान ने दी है। रिटायरमेंट में कितना अर्सा बाकी है? 25 साल नौकरी है, अभी तो 15 साल हुई है नौकरी। 10 साल बाकी जी, 10 साल। इस 10 साल में अपनी फैमिली के हालात, अपने बच्चों का मुस्तकबिल क्या देखते हैं, एक पुलिस वाले का मुस्तकबिल क्या है? अल्लाह का शुक्र है बस, आगे अल्लाह ही मालिक है। ये जवाब आपका असल जवाब है कि अल्लाह ही मालिक है? नहीं नहीं, मायूसी अल्लाह का शुक्र है, मायूसी गुनाह है, मायूसी कुफर है, मायूस नहीं होना चाहिए बंदे को। शहर कराची के ट्रैफिक और पुलिस वालों के हालात के संभलने तक यहाँ हमारे प्रोग्राम का वक्त अब खत्म होता है। नूरुल आरफीन सिद्दीकी और आवाज़ की टीम को इजाजत दीजिए। फ़ी अमानिल्लाह।